वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं सिविल इंजीनियर ऋषिराज साहू आप लोगों का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो पे। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इस नए वीडियो पे आपके लिए जॉब पोस्ट। तो क्या है वो जॉब पोस्ट, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी। एक खास ऑफर के साथ पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। जैसे कि मैं आ गया हूँ गूगल पे और आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अरवेड, ARVADE, अरवेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अरवेड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं साइट खुली है। इस साइट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मुझे साइट पे ले जाता है। ठीक है, अरवेड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये हमारी कंपनी है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, जहाँ आप देख सकते हैं ये जो वर्क करती है वो बिल्डिंग्स पे वर्क करती है, है ना। तो इसमें जो हमारी जो साइट, जो हमारा जो पोस्ट है वो क्या है, हम इसमें देखेंगे करियर ऑप्शन पे। जैसे ही हम करियर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमें एक पेज खुल जाता है। उस पेज में आप देखेंगे आप बहुत सारे करियर ऑप्शन के लिए बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि ओवर रिव्यू, करियर फील्ड, मीट और पीपल, वाई और वेट, है ना, बेनिफिट्स, वेयर डू यू वर्क, अप्लाई नाउ, सर्च जॉब लिस्टिंग। तो जो हमारा वर्क है वो हम करेंगे सर्च जॉब लिस्टिंग पे। तो हम सर्च जॉब लिस्टिंग में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सर्च जॉब लिस्टिंग में क्लिक करेंगे एक नई पेज खुल जाएगी। उस नए पेज पे एक इमेज डाला गया है जिसमें आप देख सकते हैं ये एक बैनर है जो जॉब पोस्ट के लिए है। तो जो जॉब पोस्ट है वो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, वी आर लुकिंग फॉर डायनेमिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल फॉर द प्रेजेंट एंड अपकमिंग इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट फॉर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। जो ये पोस्ट है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए है, जिसमें इन्हें चाहिए वो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की, प्रोजेक्ट मैनेजर की, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की, क्वांटिटी सर्वेयर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बिलिंग के लिए चाहिए, जूनियर इंजीनियर चाहिए, साइट इंजीनियर चाहिए, मैनेजर क्वालिटी और क्वालिटी इंजीनियर चाहिए, मैनेजर प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, मैनेजर सेफ्टी इंजीनियर चाहिए, फैब्रिकेशन इंजीनियर चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी इंजीनियर चाहिए, है ना, साइट सुपरवाइजर चाहिए, साइट एडमिन भी चाहिए। हमारे जो काम की बात है वो हम करते हैं, जैसे कि हम सिविल इंजीनियर के लिए जॉब वेकेशन लाते हैं, है ना, तो उसमें हम बात करेंगे साइट इंजीनियर की, क्वांटिटी सर्वेयर की, जिसमें इनका एक्सपीरियंस है वो कम मांगा गया है। जैसे आप देखेंगे यहाँ क्वांटिटी सर्वेयर के लिए तो यहाँ पे आपको मांगा गया है बी और डिप्लोमा ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, है ना, वो सिविल में विथ 2 to 15 ईयर एक्सपीरियंस इन एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड क्लाइंट बिलिंग विथ कंप्यूटर स्किल। जैसे कि अगर कहीं आपके पास क्वांटिटी सर्वे और एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको आती है और बिलिंग आती है तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्रेशर है और आपने इसकी ट्रेनिंग भी ले चुकी है, जैसे आपने ट्रेनिंग ले चुका है क्वांटिटी सर्वे और एस्टिमेशन बिलिंग के लिए, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो सिविल गुरुजी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर कहीं आप ट्रेनिंग करते हैं जो जिसमें आपको क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, वो भी आपको कंप्यूटर स्किल के साथ सिखाया जाता है, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल करें जो कि नंबर है 9111001234। एक बार नंबर मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, 9111001234। अगर कहीं आप इसमें कॉल करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने करियर के, अपने जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी ब्रांचेस है, अगर मैं ब्रांचेस की बात करूँ तो आप भोपाल, दिल्ली, नागपुर और लखनऊ में भी कर सकते हैं। लखनऊ में मैं आपको सिखाता हूँ क्वांटिटी सर्वे, तो आप आइए और हमसे सीखिए क्वांटिटी सर्वे। और जैसे मैं बात करूँ आगे तो आप देख सकते हैं सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है और साइट इंजीनियर की, इसमें भी हमें 3 ईयर का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें 12 साल तक के आप होंगे, 12 ईयर के भी एक्सपीरियंस है, 12 साल तक के एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बीई और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है और ये है इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के लिए। आगे देखें तो मैनेजर के लिए जो पोस्ट है, मैनेजर क्वालिटी के लिए पोस्ट है और क्वालिटी इंजीनियर के लिए बी सिविल, डिप्लोमा ऑफ सिविल मांगा गया है, इसमें भी 2 ईयर का ही एक्सपीरियंस है। तो जो जितने भी हैं जो क्वालिटी इंजीनियर के लिए जॉब चाहते हैं जिनका 2 ईयर एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजर मैनेजर प्लानिंग, प्लानिंग इंजीनियर के लिए भी 2 ईयर का ही एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें डिग्री ऑफ सिविल मांगा गया है विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अगर कहीं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या MBA के है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे,
और जो हमारे सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ आप देखेंगे एक बड़ी पोस्ट है जो है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। इसमें मांगा गया है हमें 16 से 25 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपका अगर कहीं उतना एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कैसे लगी मेरी आपकी जॉब, कैसे लगी आपको मेरी जॉब पोस्ट की वीडियो, मुझे बताएं कमेंट बॉक्स पे और लाइक। तो दोस्तों अगर कहीं करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।